फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी वॉइस के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपका पैनल ओपन हो जाता है। इसमें आपको ना लेफ्ट में स्लाइड करना है ऐसे, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड का ये ऑप्शन दिखाई देता है, इसे टैप कर लेना है तो स्क्रीन रिकॉर्ड का पेज आएगा ना। अभी यहाँ पर मैं आपको पहले तो साउंड के बारे में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए, रिकॉर्ड ऑडियो के सामने जो छोटा सा एरो का बटन है, इसे टैप करना है, ये पेज आएगा। इस पेज में तीन ऑप्शन होते हैं, तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन है डिवाइस ऑडियो का, इसे सेलेक्ट करेंगे ना, फिर इसके बाद आप रिकॉर्डिंग को चालू करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन से जो भी साउंड की आवाज आएगी ना, वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पर सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो इससे क्या होगा, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो कुछ भी आप बोलेंगे ना, वो बोला हुआ शब्द आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, तीसरा ऑप्शन है डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन से जो भी साउंड की आवाज आएगी वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, और जो कुछ आप बोलेंगे वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शन ठीक लगता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये बटन को आपको चालू कर देना है, इसके बाद आपको नीचे स्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो जाती है। तो जो कुछ भी आप मूवमेंट करेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी। और इसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग को खत्म करना चाहते हैं तो आपको ऊपर से नीचे स्वाइप करना है, तो नोटिफिकेशन पैनल में स्क्रीन रिकॉर्डर का ये पेज होता है, इसमें आपको स्टॉप का बटन टैप करना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। तो जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो आपकी मोबाइल फोन की गैलरी में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।